उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती, उनके पिता और भाई को नोटिस भेजा है। मायावती पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस नोएडा के बादलपुर गांव में कृषि भूमि को आबादी वाली घोषित कर अपने परिजनों को आवंटित कर दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जारी किया। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता संदीप भाटी की तरफ से कहा गया है कि बादलपुर गांव में 43,433 वर्ग मीटर की जमीन का लैंड यूज बदला गया था। मायावती जी ने अपने होम विलेज में 2005-06 में उनके भाई और उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने 143 की कार्रवाई एसडीएम दादरी के वहाँ इनिशिएट की। किसकी बेंच थी? ऑनरेबल चीफ जस्टिस और यशवंत वर्मा साहब की। कृषि योग्य इस जमीन को तत्कालीन एसडीएम ने आबादी घोषित कर दिया था, जो कि नियमों के खिलाफ है। यूपी के महराजगंज सदर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे निर्मेश मंगल पर गंभीर आरोप लगा है। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों में से एक चेहरा है बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे निर्मेश मंगल का। निर्मेश मंगल पर आरोप है कि उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पर धावा बोला और लॉकअप का ताला तोड़कर एक आरोपी को छुड़ा कर ले गए। लॉकअप में बंद इस आरोपी को वन विभाग के कर्मचारी जिले के पकड़ी जंगल में चल रहे अवैध निर्माण के सिलसिले में पकड़ कर लाए थे। वन विभाग ने अब निर्मेश मंगल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है और इसकी शिकायत लिखित तौर पर चुनाव आयोग से भी की गई है। हालांकि इस घटना के बाद से वन विभाग के कर्मचारी काफी डरे हुए हैं। दिनांक 5 को हमारे पास सूचना आई कि श्री निर्मेश मंगल द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा वहां पर आए रेंज कार्यालय में और ताला तोड़कर जो हमारे बंदी गृह है उस अभियुक्त को छुड़ा ले गए। उसी क्रम में रेंज अधिकारी द्वारा हमारे शाम को तहरीर दी गई थी पकड़ी चौकी पर, जिसके क्रम में उनके ऊपर एफआईआर दाखिल की गई है। जंगल में घर बना रहे थे या क्या विवाद था उनका, उनको पकड़ के लाए थे और इन्होंने जाके अपने सहयोगियों के साथ उसको छुड़वा दिया। तो इस संबंध में थाना कुतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें जाँच की जा रही है और यदि इसमें इनकी एफआईआर के तथ्य सही पाए जाएंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्मेश मंगल इससे पहले भी कई बार अपनी दबंग छवि को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार उन पर लगा ये संगीन आरोप उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। AIADM के महासचिव शशिकला नटराजन ने बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल ले जाया गया। शशिकला ने अपील की थी कि उन्हें जेल की उसी सेल में रखा जाए जिसमें पहले जयललिता को रखा गया था। जेल प्रशासन ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक शशिकला को जेल में मोमबत्तियां बनाने का काम दिया गया है, इसके लिए उन्हें प्रतिदिन ₹50 मिलेंगे। उधर गोल्डन बे रिजॉर्ट में पार्टी के विधायकों को कथित रूप से हिरासत में रखने के लिए आज पुलिस ने शशिकला और विधायक दल के नेता ई पलानीसामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों के खिलाफ अपहरण और गलत तरीके से कैद में रखने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सरेंडर के लिए बेंगलुरु रवाना होने से पहले शशिकला पहले जयललिता की समाधि पर पहुंची और फिर एमजीआर के घर जाकर पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चुनाव आयोग ने एतराज जाहिर किया है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कैबिनेट सचिव को लिखा है और पीएम की तस्वीर तुरंत हटाने को कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चुनाव आयोग ने एतराज जताया है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और कैबिनेट सचिव को लिखा है और पीएम की तस्वीर हटाने को कहा है। तो ये बड़ी खबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट्स और एक रॉकेट छोड़कर इसरो ने रूस को पछाड़ दिया। बता दें कि PSLV-C37 से अंतरिक्ष में जो 104 सैटेलाइट भेजे गए हैं, उनमें से 96 सैटेलाइट अमेरिकी कंपनियों के हैं। PSLV की ये 39वीं उड़ान थी। इससे पहले इसरो ने एक साथ 23 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के 28 मिनट बाद इसरो के मिशन के कामयाब होने का ऐलान किया गया। आखिर पे इसरो महाकाश विज्ञान पे पहला शतक मारी और वो भी विराट कोहली जैसे।
अभी तक एक साथ सबसे ज्यादा 37 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। अमेरिका एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। भारत का फोकस अब शुक्र मिशन और मिशन मंगल 2 पर है। सरकार ने इस साल इसरो का बजट 23% बढ़ाया है। जल्द ही आप कुछ मिनटों में पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर पा सकेंगे, साथ ही आप अपने स्मार्टफोन से इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक देश में टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए CBDT आधार बेस्ड EKYC की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत थंब इंप्रेशन वाली बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति के एड्रेस जैसी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और पैन कार्ड तुरंत जारी हो जाएगा। इससे 2-3 हफ्तों में मिलने वाला पैन कार्ड 5-6 मिनट में मिल सकेगा। इस प्रक्रिया से पैन नंबर तुरंत मिल जाएगा और कार्ड बाद में डिलीवर किया जाएगा। साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐप तैयार कर रहा है जिसके जरिए टैक्स पेयर्स आसानी से IT रिटर्न भर सकेंगे। CBDT की इस आधार बेस्ड EKYC की योजना के तहत धारक को पैन नंबर तुरंत मिल जाएगा और कार्ड बाद में डिलीवर किया जाएगा। मोदी सरकार ने भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी टूरिस्टों को तोहफा दिया है। टूरिस्ट की परेशानी को दूर करने के लिए वेलकम किट दिया जाएगा। विदेशी सैलानियों को दलालों से बचाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक पहल की है जिसके तहत भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी टूरिस्टों को एयरपोर्ट पर ही एक वेलकम किट दिया जाएगा। किट में ई वीजा के साथ भारत में टूरिस्ट प्लेसेस के मैप और महत्वपूर्ण नंबर होंगे। इसके अलावा किट में प्रीलोडेड सिम भी टूरिस्ट को मिलेगा जिसमें 50 रुपए का फ्री टॉक टाइम और 50 MB डेटा भी फ्री मिलेगा, जिससे कि टूरिस्ट अपने परिवार से आसानी से बातचीत कर सके और न ही किसी फर्जीवाड़े का शिकार हो सके। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी टूरिस्ट की सुरक्षा सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया है। फिलहाल वेलकम किट सुविधा देश के 12 बड़े एयरपोर्ट्स पर मिलेगी और अन्य के लिए भी ये कवायद तेज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और तेजाब कांड में 3 बेटों को खो चुके चंदा बाबू की याचिका पर आया है। बिहार सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि शहाबुद्दीन को हफ्ते के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करे और इस दौरान शहाबुद्दीन को कोई विशेष सुविधा न दी जाए। शहाबुद्दीन के सभी केस बिहार में ही चलेंगे। इसके लिए बिहार सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के इंतजाम करने को भी कहा गया है। बता दें कि पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी और चंदा बाबू ने जांच को प्रभावित करने का हवाला देते हुए शहाबुद्दीन को बिहार से शिफ्ट करने को लेकर याचिका दी थी। शहाबुद्दीन जो आज सिवान जेल में कैद है, उनको यहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफ़र किया जाए और उनके आगे के ट्रायल्स जो हैं, जितने भी ट्रायल्स उनके बाकी हैं, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ दिल्ली से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भी निर्देश दिए कि वो शहाबुद्दीन के सारे मामलों का निपटारा 4 महीने में करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने संबंधी मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई का दिन तय किया है। शहाबुद्दीन को 7 सितंबर 2016 को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन जमानत रद्द होने पर 30 सितंबर को वापस जेल भेज दिया गया था। मुंबई के पास भिवंडी में स्थानीय कांग्रेस नेता की हत्या का दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो सामने आया है। घटना कल रात 9 बजे की है जिसका CCTV वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस नेता मनोज महात्रे अपने अपार्टमेंट की पार्किंग से अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए बढ़ रहे हैं, तभी एक हमलावर पीछे से उन पर गोली चला देता है। इसी बीच दूसरा हमलावर भी आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उन पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हालांकि जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, मनोज महात्रे को जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मनोज महात्रे के अस्पताल पहुंचने तक मौत हो चुकी थी। बता दें कि मनोज महात्रे अपने क्षेत्र में दबंग छवि के नेता माने जाते थे। महात्रे इन दिनों महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। मनोज महात्रे पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका था। फिलहाल मुंबई पुलिस हत्या के सुराग तलाशने में जुट गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।